बलिया में बहुजन समाज पार्टी व भीम आर्मी ने पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन करते हुए आरक्षण में छेड़छाड़ बंद करो के नारे के साथ राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। बता दें कि क्रीमी लेयर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से नाराज बहुजन समाज पार्टी व आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पूरे शहर सहित कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। नगर के अंदर जुलूस के दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो इस सुरक्षा के मद्देनजर जुलूस से लेकर के कलेक्ट्रेट तक भारी पुलिस बल तैनात की गई थी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर के आदेश पर बुधवार को बसपाइयों एवं भीम आर्मी के शक्ति के द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया। पार्टी की ओर से भारत बंद का आह्वान भी किया गया। इस दौरान पूरे शहर में दुकानें भी खुली रही। भारत बंद का कोई असर बलिया में नहीं दिखा। इस दौरान बसपा व भीम आर्मी के लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट इंद्रकांत द्विवेदी को सौंपा एवं आरक्षण में छेड़छाड़ बंद करने की मांग की। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 को क्रीमी लेयर के फैसले से पूरे भारत सहित एससी एसटी व ओबीसी समाज में हताशा निराशा व आक्रोश व्याप्त है। क्रीमी लेयर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से नाराज बसपाई व भीम आर्मी के वक्ताओं का कहना है कि इस आदेश से ऐसी अनेकों तमाम समस्याएं उत्पन्न होगी। बहुजन समाज पार्टी व भीम आर्मी के लोगों के द्वारा पूरे शहर में शक्ति प्रदर्शन करते हुए आरक्षण में छेड़छाड़ बंद करने की मांग की। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी कलेक्ट्रेट में जमकर नारा लगाते हुए आरक्षण में छेड़छाड़ बंद करने की मांग करते हुए नजर आए। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहते हैं नेतागण, देखिए पूरी रिपोर्ट। आप लोग भैया आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण में क्रिमिनल लेयर का फैसला दिया था और इस फैसले से पूरे देश के दलित समाज नाराज है, दुखी है। और आरक्षण कोई भीख नहीं, हमारा अधिकार है। इस देश में आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 340, 341, 342 के तहत दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को दिया था। आज सरकार साजिश करके आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इसी के संदर्भ में पूरे देश भर के सामाजिक संगठनों ने यह फैसला किया कि हम आंदोलन करेंगे और हम मजबूर करेंगे सरकार को कि इस ऐसे फैसले को वापस ले। मिठाई लाल जी, आप लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का सम्मान करते हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट से समाजवादी पार्टी और अम्बेडकर वाहिनी यह मांग करती है कि इस पर विचार करें, अपने फैसले को वापस ले। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र कर रही है, उस षड्यंत्र में हम लोग को महसूस हुआ, जैसा कि आपके भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों ने मिला प्रधानमंत्री से, तो मोदी जी ने कहा कि ठीक है, इसको हम लागू नहीं होने देंगे। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की नियत अच्छी है, पार्लियामेंट चल रहा था तो सदन में विधेयक क्यों नहीं लाया? अगर नियत अच्छी है तो विशेष सत्र बुला करके इस विधेयक को पास करना चाहिए और एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण को नौवीं सूची में शामिल करना चाहिए। अगर नियत अच्छी है तो मेरी मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी, इसको तत्काल अविलंब लोकसभा का सदन बुलाएं और विधेयक पास करें। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार का हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, उसका आप सम्मान कर रहे हैं, तो दोनों तरफ दो बातें कैसे हो सकती है? एक सम्मान की बात नहीं, इसका स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं आदेश का। भारतीय जनता सरकार को, आप भारतीय जनता पार्टी की आड़ में इस तमाम फैसले हो रहे हैं। जहां कोलिजियम सिस्टम लागू हो, कोलिजियम सिस्टम में क्या है, जहां आरक्षण नहीं है, कोलिजियम सिस्टम में एससी एसटी ओबीसी वंचित है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आप जजों की भर्ती में आरक्षण नहीं मिलेगा, तो फैसले भी हम समझ सकते हैं कैसा आएगा। मेरा इशारा है, आप समझ सकते हैं कि फैसला कैसा आएगा। इसलिए हमारी मांग है कि कोलिजियम सिस्टम में भी हमारा एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण लागू हो। कहीं ना कहीं न्यायालय पर भी आपके गंभीर सवाल है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं कह रहा हूँ कोलेजियम सिस्टम में क्यों नहीं आरक्षण लागू किया गया? और जहां तक आरक्षण का सवाल है, हम दबे कुचले वंचित लोग हैं, हमको जाति अपमान मिलता है, सामाजिक अपमान मिलता है। चोटी के नेता थे बाबू जगजीवन राम, इसी बनारस में संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करने आए थे
तो गंगा जल से धोकर शुद्धिकरण किया गया था, इसलिए कि सामाजिक अपमान हुआ। भारत के न्याय प्रणाली पर आपको भरोसा? ये सामाजिक अपमान दूसरा आपको मालूम है, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे, उनको राजस्थान के मंदिर में जाने नहीं दिया गया, ये सामाजिक अपमान है। द्रौपदी मुर्मू जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, अयोध्या में मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। आपके बिहार में जीतनराम मांझी अभी हाल ही में एक मंदिर में गए थे बोध गया, उनको मंदिर प्रवेश नहीं करने दिया गया, ये सामाजिक अपमान है। मिठाई लाल जी तो उन्होंने तो विरोध किया नहीं, जिन जिनका नाम ले रहे हैं समाज विरोध करेगा, समाज के आंखों पर पर्दा नहीं लगा है। समाज जब देखेगा कि जाति हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो समाज चुप नहीं रहेगा। कोर्ट में किसी जात विशेष की तो बात होती नहीं, जो एक आईसीएससी है क्या वो कोलेजियम सिस्टम आप खुद देख लें। अभी लिटरल भर्ती का बांड कर लग गया, लिटरल भर्ती में तमाम आईएएस बनाए गए, विशेष सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी तमाम भर्ती की गई, जहाँ पर कोई आरक्षण कोई चीज नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी ने लड़ाई लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के सरकार को घुटना टेकना पड़ा, परीक्षा रद्द करना पड़ा। तो ये समाजवादी पार्टी अंबेडकर मानी और समाजवादी पार्टी, कल माननीय अखिलेश यादव जी ने ये समर्थन दिया कि हम अनुसूचित जात जनजात जो आरक्षण क्रिमिनल है, इसके समर्थन में हूँ, इसके विरोध में हूँ और आंदोलन का समर्थन करता हूँ। और इसी के संदर्भ में आज हमारे समाजवादी पार्टी के तमाम नेता यहाँ मौजूद है। यानी आप लोग सुप्रीम कोर्ट का सीधे सीधे जो निर्णय है उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से मेरा आग्रह है, समाजवादी पार्टी मांग करती है कि अपने फैसले पे विचार करें और अपना फैसला वापस लें। मांगे नहीं मानी जैसे जनरल नहीं, अगर नहीं अगर अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो अभी तो छोटा आंदोलन है, हम बड़ा आंदोलन करने के लिए बात हो जाएगी।